हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोलकाता देखो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 5 कॉलेज फॉर बीकॉम अंडर कोलकाता यूनिवर्सिटी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं, जिससे हम लोग अहम और आपको ज्यादा ही फेमिलियर हो सकते हैं आने वाले समय में। मेरा नाम विजय है और मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको कोलकाता यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात थी हमारे चैनल के बारे में, कोलकाता देखो। इस चैनल में हम लोग कोलकाता रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, अबाउट कोलकाता यूनिवर्सिटी, स्कूल इन कोलकाता, हॉस्पिटल इन कोलकाता, ये सब वीडियो भी आ सकता है, ठीक है। जो भी वीडियो बनेगा अबाउट कोलकाता ही बनेगा या फिर अबाउट वेस्ट बंगाल ही बनेगा, ठीक है। अभी हमारे पास जोगाड़ पे है सारा सेटअप। पहला कॉलेज है आपका सेंट जेबीएस, जो कि ऑटोनोमस है, ठीक है। और बाकी का 4 कॉलेज जो है वो कोलकाता यूनिवर्सिटी से एफिलेट है। एफिलेट का मतलब मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, सिंपल टर्म में मैं बता देता हूँ, जितने भी कॉलेज है कोलकाता में सब कोलकाता यूनिवर्सिटी से एफिलेट है। कोलकाता यूनिवर्सिटी के मैं सीयू के अंदर आते हैं, बट उसके ओन नहीं है, ऑलमोस्ट सब गवर्नमेंट है 5 छोड़ के। दूसरा कॉलेज है आपका जो सबसे पहला नंबर पे, अगर ऑटोनोमस को आप छोड़ दे, वो है आपका गोइंका दूसरे नंबर पे। तीसरा है आपका जयपुरिया, चौथा है आपका मौलाना आजाद एंड पांचवा है आपका उमेश चंद्र, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मतलब इस वीडियो का जो टॉपिक है यहीं पर खत्म करते हैं और आप थोड़े आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं 5 कॉलेज बताया हूँ वो हम लोगों ने रिसर्च किया है, जैसे कि मेरा पर्सनल, मुझे पता, पर्सनली पता है मुझे कि कौन कौन सा कॉलेज बेस्ट है। मैंने अपने सीनियर से भी पूछा है और बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ने रिसर्च किया है। और दूसरी बात है, हम लोग कोई भी वेबसाइट के थ्रू नहीं बता रहे, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इस वीडियो में रख रहे हैं और आने वाले वीडियो में भी रखेंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके बारे में भी हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, आपको एडमिशन कैसे लेना है, कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, आपको मेरिट कैसे बेस्ट 4 का निकालना है, ठीक है, सारा वीडियो होगा। अगर आप अपने कॉलेज का भी नाम नीचे ड्रॉप करते तो हमारा एक डेडिकेट वीडियो भी बना सकते हैं हम लोग उस पर, ठीक है। अबाउट फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसा होता है, यूनियन का क्या प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनियन का। बेसिकली यहाँ पर रैगिंग नहीं होता, बट यूनियन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप बाहर से हो, ठीक है, हमारा फिर जुगाड़ लैपटॉप खुला हुआ है, अगर आप कोलकाता के बाहर से हो और आपको कोलकाता के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, और जैसे कि आपको जयपुरिया में जाना है और आपको जयपुरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो एक हम लोग ने कोलकाता देखो टीम की तरफ से हम लोग एक चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप उस कॉलेज के सीनियर से, ठीक है, सीनियर से मतलब रैंक होल्डर या फिर एक अच्छे बंदे से आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल या फिर फोन कॉल पे, एकदम मिनिमम चार्जेस पे। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अपनी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उनसे बात करके टाइम स्लॉट फिक्स करेंगे, फिर आप वीडियो कॉल या फिर फेस टू फेस कॉल कर सकते हैं। ये मिनिमम आपका 30 रुपीज के नीचे ही होगा। और भी कुछ जानना है आपको तो कमेंट कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट बार हम लोग को मिलना है। बाय। आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट कोलकाता यूनिवर्सिटी या फिर कोलकाता, तो हमारे वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं kolkatadekho.com। उसमें काफ़ी आर्टिकल है अबाउट कोलकाता यूनिवर्सिटी, और भी आर्टिकल आपको मिल जाएगा अबाउट कोलकाता। हम लोग और भी उस पर काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे आर्टिकल डालने का, जो आने वाले समय पे काम आ सके। लाइक कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग ने डाला है कौन कौन सा बुक आपको यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सा बुक मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यूज़ किया इसलिए मैं बता सकता हूँ। और भी चीज़ है, जैसे कि आप सिलेबस क्या है, मतलब कि सिलेबस आपको पढ़ाया क्या क्या जाएगा फर्स्ट सेम में सेकेंड सेम में। 2017 के बाद अभी तक बुक चेंज नहीं हुआ है, तो उसमें डाला हुआ आप चेक कर सकते हैं आपको अब फ्यूचर में क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज चूज करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आगे आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे। और बाय द वे, मैं लास्ट ईयर कम से कम 160 से ज़्यादा लोग का जुगाड़, ठीक है, मैंने हेल्प किया था बाय व्हाट्सअप एंड कॉल, ठीक है। कुछ जन का तो मैंने वीडियो कॉल भी बात किया था, क्योंकि वो कोलकाता से थे नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम था। अगर आपको भी जानना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का कोई भी लोचा नहीं है। अगर आपको इंस्टाग्राम में ज्वाइंट करना है, मिलना है या फिर बात करना है, कुछ भी क्वायरी है, तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है कोलकाता देखो, और दूसरा है जो मेरा पर्सनल है वो vijayasharma.in। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।